बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट क्विक रेसिपी जिसका नाम है नमक पारे। बहुत ही इजी है ये बनाने में। इस रेसिपी को बनाने के लिए टोटल 5 इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी, जो मैं आपको बता देती हूँ। नमक 1/2 टीस्पून, ऑयल 2 टेबलस्पून, ज़ीरा 2 टेबलस्पून, मैदा 1 कप। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हल्का हल्का पानी स्प्रिंग करके एक बहुत अच्छी सी डो बना लेंगे। एक मीडियम सी डो तैयार करनी है हमने, जो ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तीन मिनट तक हमने इसको मुसलसल गूंदना है, इससे हमारी डो बहुत परफेक्ट बनेगी। डो हमारी तैयार हो चुकी है और अब हम इसको ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है और डो हम चेक कर लेते हैं। डो भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम खुश्क मैदा लेंगे और हल्का सा प्रेस करके निकाल लेंगे। डो को हम हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये प्लेन हो जाए। मैंने सिलेंडर शेप में इसको बेल लिया है क्योंकि मुझे नमक पारा स्टाइल में कटिंग करनी है। अब नाइफ से हमने कटिंग कर लेनी है। आप किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं, स्क्वायर या फिर किसी भी शेप में। कटिंग के बाद एक एक स्लाइस को हम उठा लेंगे नाइफ की मदद से और एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे।
यहाँ पर ऑयल हमारा गरम हो चुका है, फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अब हम बहुत एहतियात से ये तमाम नमक पारे इसमें डालेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। साथ साथ हम इसमें हिलाते रहेंगे ताकि जल न जाए। अगर आपने हाई फ्लेम किया तो ये बाहर से ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है। अब आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इनको टेक आउट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, गर्मा गर्म नमक पारे तैयार हैं बिल्कुल। आप देख सकते हैं इनकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है ये। हल्की फुल्की भूख के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। शाम की चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।